जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप यूट्यूब पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। पश्चिम रेलवे के बोईसर रेलवे स्टेशन और खैरापाड़ा गांव के बीच एक बड़ा हादसा हुआ। आज सवेरे 3 लोगों की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। बांद्रा की ओर जाने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस की चपेट में ये तीनों लोग आ गए। बताया जा रहा है कि माँ अपने 2 बच्चों के साथ उस रेलगाड़ी के चपेट में आ गई, जहां पर माँ और बेटी की कट जाने से मौत हो गई। अभी गंभीर रूप से घायल हुआ और कुछ ही समय में उसकी भी मौत हो गई। अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका है कि ये कौन है, कहां से है, किस परिवार को बिलोंग करते हैं या इनका कोई वाली वारस है। घटनास्थल पर जाकर रेलवे के RPF जवानों ने मिलकर वहां पे उनका पंचनामा किया और उसके बाद लाशों को उठाया और GRP ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरुआत की है। परंतु इस तरह के हादसे अक्सर इस बोईसर रेलवे स्टेशन के करीब देखे जाते हैं। यह वही घटनास्थल है जहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ जान गंवाई है। पश्चिम रेलवे की मुख्य लाइन है जहां पर इस महिला का खून अभी भी देखा जा सकता है। देखिए वो घटनास्थल है जहां पर आज सवेरे एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रेल पटरी के करीब में थी और एक रेलगाड़ी की चपेट में आ जाने से उसके मासूम दोनों बच्चों सहित उसकी मौत हो गई। परंतु यहां पर लोग आज भी इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना होने के करीब 15 मिनट बाद ही यहां से लोगों के आना जाना फिर शुरू हो गया। ये वही मुख्य रेलवे लाइन है जहां से रेलगाड़ियां काफी तेज रफ्तार से गुजरती हैं। परंतु यहां पे आज पास में एक गांव बसा है, खैरापाड़ा गांव, जहां पर लोग बोईसर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जाने के लिए रेलगाड़ी का भय न रखते हुए रेल पटरी बिंदास खुलेआम क्रॉस करते हैं। यहाँ पर कोई बैरिगेट नहीं लगा है, यहाँ पे कोई रास्ता बंद होने की जगह नहीं है, जिसके कारण लोग यहाँ से भागते हुए रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। ये कॉलेज की छात्रा को आप देख सकते हैं किस तरह से भागते हुए उसने ये पटरी क्रॉस की है। यहाँ पे जो रिक्शा चालक है ये भी एक पटरी क्रॉस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी आने वाली है। आपने देखा कि रेलगाड़ी जैसे ही गुजरी वहां पे फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। दूसरी भी गाड़ी आने की तैयारी में हम देख सकते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि सवेरे एक हादसा हुआ है जहां छोटे बच्चे को गोद में लेके एक महिला अपने हाथ पकड़े एक दूसरे बच्चे से ट्रेन की चपेट में आ चुकी है। यहां पे भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक औरत देखिए छोटे बच्चे को अपने गोद में लेके आ रही है, दूसरे बच्चे का हाथ पकड़े, साथ में एक और महिला है। ये चेहरे से तो पढ़ी लिखी महिलाएं दिखती है, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर किस तरह से ये रेलवे पटरी क्रॉस कर रही है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की कि ये क्या कहना चाहती है और क्या वजह है, इनको पता है कि नहीं आज एक हादसा हुआ है। चलो बात करें। क्या पैसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, आज सुबह एक घटना में मालूम पड़ा ना आपको, तो फिर आप छोटे बच्चे को लेके यहाँ से जाते हो? नहीं, नजदीक बराबर है लेकिन जिंदगी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, क्योंकि कैसा ऊपर से जाना चाहिए जीवन बच्चे का। देखो आज सुबह एक औरत जो मर गई, देखा ना आपने, उसके छोटे 2 बच्चे थे गोद में, बच्चा था एक और एक साथ में था उसका। तो आप लोग ने भी ध्यान रखना चाहिए, जीवन को बचाना चाहिए। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो बच्चे भी वैसे करेंगे। इन महिलाओं का मानना है जो नसीब में होगा वो होगा ही, और इसीलिए इन्होंने रिस्क लेते हुए जान जोखिम में डाल के रेलवे पटरी क्रॉस की। वहां के ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहां पर स्काईवॉक ब्रिज न होने के कारण लोग अक्सर रेलगाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर लेते हैं। रेलवे क्रॉस करने की वजह से कई बार रेलगाड़ी न दिखने के कारण उनकी मौत हो जाती है। कल एक भाई जाता ना, म्हणजे ट्रेन ऍक्सिडेंट झाला, लय दुखद घटना होती, बरं नाही वाटत थोडा बघून। आपल्याला सरकारने एक फ्लाय ब्रिज बांधायला पाहिजे वेगळा, एक माणसाला फक्त येण्या जाण्यासाठी, पण ते सुविधा इथे काहीच नाही। सरकारला द्यायला पाहिजे, पण सरकार काय बघत नाही इकडे। इथं कमीत कमी असतील 2000 वरतीच असतील। मग तुम्ही हाच रस्त्याचा पर्याय वापर करताय काय? आम्ही तर याच रस्त्याचा पर्याय वापर करतो। तुम्हाला काय भीती वाटत नाही की आमचा जीव जाऊ शकते? भीती वाटतं, पण काय करणार माणूस, एक फ्लाय ब्रिज वरतून चढण्यासाठी कालनं तर इथपर्यंत किती चढणार माणूस? बारीक पोरं पण येतात, बाया पण येतात, शॉर्टकट रस्ता म्हणजे समजून सगळी येत जातात। आज सकाळी 11:12 गाडी नंबर 22 966 अप या गाडीचे
गाडीखाली सापडून एक महिला, एक लहान मूल आणि एक लहान मुलगी अशा तिघांचा रेल्वे किलोमीटर नंबर 119 जवळ गाडीखाली सापडून अपघात झालेला आहे. ती सुसाईड आहे की अपघात आहे, रेल्वे अपघात आहे याची चौकशी चालू आहे. अजून त्यांचे वारसदार किंवा कुणीही मिळालेलं नाही, त्यांच्या वारसाचा शोध चालू आहे.